हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें हमें 5x प्लस 3 अपॉन रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 10 का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप में हमने 5x और 3 को सेपरेट कर लिया। 5 बाहर करेंगे तो x अपॉन रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 10 रूट आ जाएगा, और यहाँ पर 3 बाहर करके 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 10 हो जाएगा। अब नीचे वाला देखिए, यहाँ पे है एक्स स्क्वेयर प्लस 4x, तो नीचे का जो डेरिवेटिव है वो बनेगा 2x प्लस 4। तो हम लोग इस टर्म को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। 4 की कमी रह गई है तो प्लस 4 कर देंगे, तो साथ में माइनस 4 भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे अगेन कोई चेंज नहीं होगा। अब आपने करना क्या है, क्योंकि 2x प्लस 4 चाहिए तो 2x प्लस 4 को सेपरेट कर देंगे और माइनस 4 वाली टर्म को अलग कर देंगे। 5 अपॉन 2 दोनों के साथ है तो इसलिए 5 अपॉन 2 यहाँ भी लिखा जाएगा, और ये वाला जो टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएगा। इस टर्म को सेम टू सेम लिख दिया, ये 2 कट जाएगा तो 5 × 2 = 10, सेम टू सेम, और ये भी चीज़ सेम टू सेम आ जाएगी। सेम टू सेम हो गया हमारे पास। अगर आप इस टर्म को देखोगे, सेम होने की वजह से -10 + 3 - 7 लिखी जाएगी और 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आपके पास नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो फिर आप क्या करोगे, इसका जो इंटीग्रेशन है, जो भी डेरिवेटिव होगा उसकी पावर, जैसे 1/2 है तो ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी, प्लस 1 कर देंगे और सेम पावर नीचे भी आ जाएगा। यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, एक्स का कोफिशेंट 4 है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, और स्क्वायर किया तो प्लस 4 और माइनस 4 कर देंगे। यहाँ पे पावर 1 में से हाफ गया, हाफ तो रूट लग जाएगा, और ये भी हाफ बन जाएगा तो 1 और 2 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे ये एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 10 में से 4 गया 6, 6 को आप लोग रूट 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। 2 के साथ 2 कैंसिल तो 5 सेम टू सेम आ गया, -7, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग एक्स, एक्स की जगह पर एक्स प्लस 2 प्लस जिस फंक्शन की आपने शुरुआत की थी, दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 10, ऊपर वाला नहीं ओनली नीचे वाला, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इंटीग्रेशन डन हो गया। थैंक यू।